इनके खर्राटों का क्या करूं मैं? टॉम, अभी हम पकड़े जाते। क्या करूं? खर्राटे भी इतने बेसुरे हो सकते हैं? पहली बार सुना। नाना जी को कहते हुए सुना है कि माल उस बेड के नीचे संदूक में रखा हुआ है। भाग रहा है, अभी चोर भगा और राग करता। ओ नो, ये नहीं हो सकता। भीम सिंह, तुम चोर हो। मैंने तुमको अपना बनाकर रखा और तुमने अपने ही घर में चोरी की। अरे नाना जी, क्या करें? मैं तो किचन में सो रहा था, आपके चिल्लाने की आवाज सुने तो भाग कर यहाँ आया। चोर खिड़की से भाग गया है। एक बच्चा अपने पीछे लग गया है। बच्चे से क्या डरना? हेलो लड्डू सिंह जी, घर में चोर घुस गए थे। मैं उनको चेज कर रहा हूँ, आप शहर में नाकाबंदी करवा दीजिए। ओके शिवा। अंकल, सरेंडर कर दो वरना। हम तो डर गए। सरेंडर नहीं किया तो क्या कर लोगे बच्चे? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। इन दोनों का कैच तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब निकलते हैं, हम उसे बाद में देख लेंगे। चलो चलो चलो, जब लाइन से खड़े हो जाओ, सबकी तलाशी होगी। कोई चोर चोरी करके भागा है और मैं उसे बच के नहीं जाने दूंगा। चलो चेकिंग प्रॉपर।
अंकल, कहाँ जा रहे हो? पहले तलाशी फिर निकासी, ओके? क्या बोला? हमारी तलाशी लोगे? हमारी उम्र देखो, चोरी क्या खाक करेंगे? तीन घंटे से हम पैदल चल रहे हैं, ना तो कोई टैक्सी मिली ना ऑटो, और तुम हमारी तलाशी लोगे? नहीं नहीं, सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। मैं आपको आपको घर छुड़वा देता हूँ। बेड़ा राम, अंकल को उनके घर तक पहुँचा दो। चलो। ओके सर। लड्डू सिंह जी, कुछ पता चला चोर का? नहीं शिवा, मैंने किसी को भी बिना तलाशी जाने नहीं दिया, पर कोई सस्पिशियस इंसान भी नहीं मिला। लगता है वो दूसरे रास्ते से भाग गए। आज तो बहुत लंबा वॉक हो गया। कल रात को मेरे घर पर चोर आ गए थे। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मेरे बेड के नीचे छोटे संदूक में गहने रखे हैं। आजकल के चोर बड़े शातिर हो चुके हैं, इसीलिए घर से अच्छा बैंक में ही गहने पैसे रखो, चोरी का कोई डर ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई, बैंक में भी आजकल पैसा कहाँ सेफ है? आए दिन बैंकों में घोटाले होते हैं, पता लगा बैंक ही डूब गया तो कस्टमर का पैसा कहाँ से लौटाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैं भी बैंक में अपना पैसा बिल्कुल नहीं रखता। मैं तो अपने सोफे के गद्दे में पैसे छुपा कर रखता हूँ। कोई चोर सोच भी नहीं सकता कि पैसे वहाँ होंगे। मैंने तो अपने घर के डस्टबिन के नीचे एक छोटा सा तहखाना बनवाया है, उसी में सब बिल्कुल सेफ रखा है, आज तक एक रुपया गायब नहीं हुआ। तुम लोगों ने तो सच में बढ़िया सेफ बनाए हैं। अब तो मुझे भी कोई सेफ जगह घर में बनानी पड़ेगी। चलता हूँ। शिवा, तुमने हाल ही में हो रही चोरियों के बारे में एक चीज नोटिस की कि ज्यादातर चोरियाँ सीनियर सिटीजन्स के ही घरों में हो रही है? Yes, Reva, you are right. हमारी कॉलोनी में कितने सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं। Yes, I have a plan. क्यों ना हम सभी सीनियर सिटीजन के घरों में अलार्म फिक्स करवा दें? जैसे ही चोर चोरी करेगा, अलार्म बज उठेगा। हाँ। वाह शिवा वाह, क्या आइडिया निकाला है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है शिवा। क्यों नहीं, शिवा आखिर शागिर्द किसका है? चल चल जल्दी बंद कर। चोर, अरे वो सोना चोरी करके भाग गया, कोई पुलिस को बुलाओ। छोड़ूंगा नहीं। शिवा,
शिवा, गैरों ने तो मुझे खूब तोड़ा, पर तुम तो अपने थे, तुमने भी मुझे नहीं छोड़ा। सॉरी लड्डू सिंह जी, मुझे क्या पता था आप बिल्कुल नीचे ही खड़े होंगे। जल्दी आइए, चोर को पकड़ना है। लड्डू सिंह जी, आदि, यूडी, तुम लोग? अरे अरे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग मेरी हेल्प कर रहे हो या चोरों की। ए, रुको, रुक जा। अंकल, आज फिर दो चोर एक घर से चोरी करके भागे हैं। बस उन्हीं की खोजबीन हो रही है। पर आप दोनों फिर से कहाँ जा रहे हैं? इतनी रात गए, हम कहाँ जाएंगे? शोर सुना तो बाहर देखने चले आए, पर अब तक तो चोर चोरी का सामान कहीं फेंक कर भाग चुका होगा। या अंकल, कोई ऐसे ही डस्टबिन में लाखों की ज्वेलरी फेंक कर जाएगा क्या? हाँ बोल। इंस्पेक्टर, तुम्हारी बात में दम तो लगता है। ढूंढो ढूंढो, चोर बचकर निकलने ना पाए। आप लोग भी संभल कर रहिएगा, चोरों का टारगेट सीनियर सिटीजन ही है। ओके, हाय। स्टॉप स्टॉप, सी दिस, ये दोनों ओल्ड मैन इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे थे? ये दोनों तो बड़े सज्जन पुरुष हैं। चोर पुलिस की आवाज सुनकर भागे चले आए थे। ये तो पहले दिन की चोरी के टाइम भी मुझसे मिले थे। लड्डू सिंह जी, हमें इन अंकल्स पर भी नजर रखनी होगी। ये बच्चा तो अपना धंधा मंदा करके ही मानेगा। मैं तो कहता हूँ इसकी साइकिल ही उड़ा लेते हैं। सारा खेल उसकी साइकिल का ही है। ये डॉगी को क्या हुआ? मेरी साइकिल कहाँ गई? अब डोंट वरी डॉगी, वो तुम्हारे दोस्त शिवा की साइकिल है, ऐसे ही कोई चुरा नहीं सकता। थैंक यू। इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक साइकिल चलानी नहीं आती। कौन बोला है? कौन बोला ये? जरूर वही लड़का होगा, अभी उसे दिखाता हूँ साइकिल कैसे चलाते हैं। रुक क्यों गया हैरी? पता नहीं इस साइकिल को क्या हो गया, आगे ही नहीं बढ़ रही। कौन है? कौन है? हाँ
साइकिल है कि चलता फिरता बवाल? तेरी भागो! असली बवाल तो पीछे आ रहा है, वो बच्चा आ गया। फ्रेंड्स, टाइम फॉर एक्शन। अंकल, क्या अजीब इत्तेफाक है, जहाँ जहाँ चोरी होती है आप दोनों वहीं पहुँच जाते हो। बोले 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 बोले, माजरा क्या है बोलो? क्या तू हम पर शक कर रहा है? अंकल बस बस करो, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। सॉरी अंकल, ये झुटपुट फाइट में क्या रखा है? कमान, फुल फाइट करते हैं। क्या बोल रहे हो बच्चे, हम इस उम्र में क्या फाइट करेंगे? क्यों, जब इस उम्र में चोरी कर सकते हो तो फाइट क्यों नहीं कर सकते? बहुत बोलते हो बच्चे, बच्चों को बड़ों से ऐसी बात शोभा नहीं देती। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। ठीक है, शिवा नाम है तुम्हारा, पर हमारे लिए तो तुम बच्चे ही हो। बुजुर्गों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती। हाँ अंकल, मैं बुजुर्गों पे कभी हाथ उठाता भी नहीं, पर यहाँ कौन बुजुर्ग है? ओह, कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे? ये कब हुआ? से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। जिस दिन हम लौटे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को बूढ़ा होने तक जेल से निकलने ही नहीं दूंगा। <laughs> <laughs>